हेलो स्टूडेंट्स, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मुहावरे, आज हम पढ़ेंगे लोकोक्ति। वास्तव में लोकोक्तियां भाषा में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। लोकोक्ति शब्द लोक तथा उक्ति दो शब्दों का योग है। लोक प्रसिद्ध कथन लोकोक्तियां कहलाती हैं। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होते हैं। यदि स्पष्ट भाषा में कहा जाए तो कोई प्राचीन कथन या उक्ति जिसके द्वारा वक्ता अपनी बात को संक्षेप में पूर्णतः स्पष्ट कर सके, लोकोक्ति कहलाती है। इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा में किया जाता है। इंग्लिश डेफिनेशन, अब शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस ऑफ फ्रेज डेट गिव एडवाइस और सेज डेट समथिंग इज जनरली ट्रू इन लाइफ। ऐसे छोटे वाक्यांश जो हमारी जीवन की सच्चाई और त्रुट को प्रकट करते हैं और हमें उसकी सलाह देते हैं, वह सब लोकोक्ति कहलाते हैं। प्रोवर्ब और लोकोक्ति को यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है, इंग्लिश प्रोवर्ब, हिंदी कन्वर्शन एंड एक्सप्लेनेशन। लोकोक्ति के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अ ब्लैक शिप, घर का भेदी लंका ढाए। यहाँ दोनों का मीन्स है आपके राज जानने वाला कुछ भी कर सकता है। मतलब आप जिसको सोचते हो कि मैं इसको सारे राज बता दूं, ये मेरा हितेशी बनेगा, लेकिन वही व्यक्ति आपके पीछे से छल भी कर सकता है। तो अब ब्लैक शिप का मीन है यहाँ पर घर का भेदी लंका ढाए। जैसे आपने रामायण में देखा था ना कि विभीषण जो थे रावण के भाई थे और उन्होंने राम को सारी बात बताई, तो ये सारी रामायण से लिया गया है। तो जब भी घर का भेदी लंका ढाए हम बोलेंगे तो हमारे माइंड में एक पर्सन आता है, विभीषण, जिन्होंने रावण से सीक्रेट सारे राम को बता दिए थे, जिसके कारण रावण का वध हो पाया। शैंपेन, शैंपेन टेट्स बियर वेजेस। यहाँ पर आप देखें शैंपेन टेट्स बियर वेजेस, और अगर देखें आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, दोनों का सेंस देखने पर अलग 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 लग रहा है, लेकिन दोनों का मीन जब हम देखेंगे तो वह है कि आय से अधिक खर्च करना। मतलब जहां पर बियर की जरूरत थी वहां हमने शैंपेन को पिया, और जहां हमको अठन्नी खर्च करनी थी वहां हमने रुपया खर्च किया। थर्ड है ओनली इफ यू आर अलाइव थिंग्स मैटर, मतलब जान है तो जहान है। हम जीवित रहकर ही कुछ कर सकते हैं, हम जीवित रहकर ही कुछ कर सकते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं है। टू, सेकेंड इज टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, एक म्यान में दो तलवार नहीं समाती। मतलब अगर एक जगह पर दो अलग अलग सोच के व्यक्ति होंगे और अपनी राय देंगे तो वो कभी भी साथ नहीं रह सकते। तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, अलग विचार वाले व्यक्ति कभी भी एक साथ नहीं हो सकते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक, सीधी उंगली से घी नहीं निकलना। अब बाय हुक और बाय क्रुक और सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, इन दोनों का यहाँ पर मीन्स होगा समस्या को किसी भी तरीके से सुलझाना। इन सब लोकोक्ति के अलावा भी कई लोकोक्तियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंत भला तो सब भला। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि जिस काम का परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा माना जाएगा। एक पंथ दो काज, लोकोक्ति का अर्थ है एक काम करने से दो काम होना। नेक्स्ट इज नीम अखीम खतरा है जान, इस लोकोक्ति का अर्थ है अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे को हम कहते हैं इडियम और लोकोक्ति को प्रोवर्ब। मुहावरे का फर्स्ट पॉइंट है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, हम इसकी जगह पर्याय शब्द नहीं रख सकते। जैसे उदाहरण है ईद का चांद होना, तो ईद का चांद होना का मीन होता है बहुत दिन बाद दिखाई देना। लोकोक्तियाँ लोक अनुभव पर आधारित वे उपवाक्य हैं जिनका प्रयोग किसी परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे लोकोक्ति लोक अनुभव पर आधारित होती है, लोक अनुभव पर आधारित है, जैसे ऊंची दुकान फीके पकवान। मतलब यहाँ पर ऊंची दुकान फीके पकवान मतलब ये नहीं है कि बड़ी दुकान है वहाँ फीके पकवान मिल रहे हैं, यहाँ उस तरह के लोगों की बात है कि जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन रिजल्ट बिल्कुल कम देते हैं। सेकेंड पॉइंट है, मुहावरों में लक्षणा की प्रधानता होती है। मतलब मुहावरे जो कहे जाते हैं,
मुहावरे जो कहे जाते हैं उसमें लक्षणा की प्रधानता रहती है, मतलब उसको व्यक्त करते हुए हम उसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे, जबकि लोकोक्ति में व्यंजनों की प्रधानता रहती है। लोकोक्ति लोक आधार पर कही गई एक उक्ति है। थर्ड पॉइंट है, मुहावरे का प्रयोग कथन में चमत्कार लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति का प्रयोग कथन की पुष्टि के लिए किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग कथन में किस तरह चमत्कार लाता है? जैसे मैंने कहा आँख का तारा होना, तो राम अपनी माता पिता की आँख का तारा है। अब आँख का तारा होने से मतलब यहाँ पर है बहुत अत्यधिक प्रिय होना। लोकोक्ति का प्रयोग कथन की पुष्टि के लिए किया जाता है। कथन की पुष्टि के लिए कि जैसे ही हम कोई लोकोक्ति कहते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है कि वो किस लिए उक्ति प्रयोग में आई है। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इसमें ये नहीं है कि हम बंदर को अदरक खिला रहे हैं, जबकि उससे यह पुष्टि हो रही है कि मूर्ख व्यक्ति को अगर हम उत्तम वस्तु भी दे देंगे तो वह उसका महत्व को नहीं समझेगा और उसको छोड़ देगा। फोर्थ पॉइंट है, मुहावरे के अंत में ना जरूर ही आता है। मतलब आपने जितने भी मुहावरे देखे होंगे, ईद का चांद होना, आग का तारा होना, नौ दो ग्यारह होना, गुदड़ी का लाल होना, तो जब हमको मुहावरे की पहचान करनी है तो उसके अंत में ना जरूर आता है, जबकि लोकोक्ति के अंत में ना आना जरूरी नहीं है। जैसे आग के अंधे नाम नयन सुख, एक हाथ से ताली नहीं बजती, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो यहाँ पर आपको कहीं भी ना का प्रयोग नहीं दिखेगा। अंतिम पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, मुहावरे को वाक्य के अनुरूप परिवर्तित करना पड़ता है। मुहावरे को वाक्य के अनुरूप कैसे? कि जो वाक्य में बात पूछना चाह रहे हैं हमें वही कहना है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में परिवर्तन नहीं होता। स्टूडेंट्स, हमने हमारे पार्ट वन और पार्ट टू में मुहावरे व लोकोक्ति को समझा। तो मुहावरे व लोकोक्ति दोनों ही वाक्यों में प्रभाव डालती है, लेकिन मुहावरे का प्रयोग वाक्य को प्रभावी बनाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य की पुष्टि करता है। मुहावरे और लोकोक्ति दोनों ही वाक्य को छोटे रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका है, जिससे हमें बड़ी बात ना कहकर हम छोटे से शब्दों में अपनी बात को रख देते हैं। मुहावरे संपूर्ण वाक्यांश होते हैं और लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य होती है। अब हमने जो वीडियो देखे हैं उस आधार पर आपको इसकी विशेषताएं बताई गई, इसकी उपयोगिता बताई गई, मुहावरे व लोकोक्ति में किस तरह हम कौन सी बातें ध्यान रखें जिससे मुहावरे व लोकोक्ति को करने में हमें गलती ना हो। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि मुहावरे और लोकोक्ति को हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, और मुहावरे व लोकोक्ति में आपका जो भी प्रश्न हो, आपकी जो भी क्यूरी हो, वो कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें। धन्यवाद।